तो यार अभी सुबह हो चुकी है और मैं देखने वाला हूँ न्यूज़। देख रहे हैं यार क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। ब्रेकिंग न्यूज़, लॉस सैंटोस में होने वाला है एक रैंप चैलेंज। उसमें आपको मिलने वाले बड़े बड़े सरप्राइजेस। जो उसका प्राइस है वो तो बहुत अच्छा ही है और सरप्राइज भी बहुत अच्छे है। बुकिंग सिर्फ 10 मिनट तक है। अबे नहीं, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। कहीं सर मुझे अभी पता चला कि भाई रैम चैलेंज होने वाला है और बुकिंग सिर्फ 10 मिनट में खत्म होने वाली है, तो मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से कूदते हैं फटाफट से। अबे जल्दी से जल्दी मुझे रैम चैलेंज जाके बुकिंग करवानी पड़ेगी ताकि मैं भी रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकूं। ए अंकल अंकल, रुको रुको रुको, एक सेकंड, गाड़ी से उतरो। अबे ऐसे नहीं उतरेगा, ये ले गोली खा गोली खा। अरे भाई से तो मेरे ऊपर चढ़ा दी, चलो इसको मैंने मार दिया फटाफट से। इस गाड़ी में बैठते हैं। एक सेकंड, मेरे पास भी तो गाड़ी थी, मैंने इसको क्यों मारा? चलो कोई बात नहीं, मार ही दिया तो इसकी गाड़ी ही लेके चलते फटाफट से रैम चैलेंज में अपनी बुकिंग कराने। चलो यहाँ से निकलते हैं। अरे एक गाड़ी वाली रुक जा, मैं तेरे को गोली मार दूंगा। अबे शिनचैन मैं हूँ। अरे वे की मैं पुके, जल्दी चलो यार, मुझे एक चीज पता चली, एक रैम चैलेंज होने वाले। अरे मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ यार, तभी मैंने किसी की गाड़ी चुराई है। अरे वे की भी अपने पास भी तो गाड़ी है। अबे तो तू अपनी गाड़ी क्यों लेके आया? अरे फिकी भी तुम्हें भूल ही गए थे। अबे क्या पागल है, चलो यार फटाफट से चलते हैं अपन रैम चैलेंज में। तो गाइज यार हम लोग आ चुके हैं आज के रैम चैलेंज में, और जो सरप्राइज थे वो भी हमें पता चल चुके हैं। हमारे साथ रैम चैलेंज करने वाले हैं थॉर नहीं, शाहरुख खान और विराट कोहली। तो ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं और ये हमारे साथ करने वाले हैं रैम चैलेंज। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज के रैम चैलेंज में। तो सारी सारी गाड़ियां यहाँ पे तैयार है, हमारे साथ थॉर भी है, शिनचैन और जोकर वाला हल्क और स्पाइडरमैन। तो बहुत ही मजा आएगा, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ से अपनी गाड़ी को भगाते हुए जाना है फुल स्पीड में। पहले मैं दिखा रहा हूँ कि रैंप में हमको करना क्या है, फिर इस माउंटेन से ऊपर खुदाते हुए इधर लैंड करना है, फिर यहाँ से वापस अपनी गाड़ी को खुदाना है और इस सर्कल पे लैंड करना है। जो भी सर्कल पे लैंड करेगा उसको वो आलीशान सा घर मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये घर तो मैं जीतूंगा। तो हम क्या यहाँ पे हारने आए, हम भी जीतेंगे। अरे हाँ हाँ, वो तो अभी देख लेंगे कौन जीतेगा, किसको वो घर मिलेगा, टेंशन मत लो। गाइस इन सब में से आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है फटाफट से कमेंट करके बता दो, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। तो चलो रैम चैलेंज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाने वाला है हमारे थॉर, बिजली के नेता। अब इससे चला तो जा नहीं रहा, इसको नेता किसने बना दिया? हम थॉर है, बिजली के नेता नहीं, बिजली के देवता। अभी देखो हम क्या करते हैं। ए मोटू, ए साइड रे। अरे साइड में जगह है, यहाँ से चले जा। ए मोटू, मैं थॉर हूँ, ओडिन पुत्र, मुझसे ढंग से बात कर वरना मैं तुझे तेल के पैन में फ्राई कर दूंगा। अरे तुम पूरा दिन लड़ती रहोगे या कुछ भी करोगे भी? तो गाइस अभी जाने वाला थॉर, सबसे पहले देखते हैं ये क्या करके दिखाता है। आपको क्या लगता है कि ये जीत पाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो। और ये फुल स्पीड अपनी गाड़ी को भगाते हुए जा रहा है, क्या ये यहाँ से कूदा पाएगा? और ये तो यहीं पे ही गिर गया, पर कोई बात नहीं, गाड़ी सीधी कर लिए, गाड़ी उलट पुलट होके इधर गिर चुकी है और इस वाले रैंप से भी इसने ये कूदा लिया। क्या ये सर्कल पे लैंड कर पाएगा? और ये बहुत ही ज्यादा पास, और ये नीचे गिर गया और उससे टकरा गया। थॉर तो ये नहीं कर पाया, तो थॉर हो चुके हैं। अब बारी स्पाइडरमैन की, और स्पाइडरमैन कितनी बढ़िया वाली गाड़ी लेके आया। अबे पागल, अरे सॉरी सॉरी, गलती से ब्रेक एक्सीलेटर दब गया। अबे तेरे को गाड़ी वाड़ी नहीं चलाना थी क्या? अरे नहीं, मैं तो पहली बार दबा रहा हूँ। अरे ये कौन सा बटन? अरे बचाओ मेरे को। अबे कौन सा बटन दबा दिया? अबे तो गाड़ी से ही बाहर गिर गया। अबे स्पाइडरमैन क्या करता रहता है? चलो वापस हमने इसको लाइन पे लगा दिया। चलो यार देखते हैं स्पाइडरमैन क्या करता है। और ये अपने यार पूरे पूरे माउंटेन के ऊपर से खुदा लिए और ये दूसरे रैंप पे तो लैंड भी नहीं हुआ, सीधा जाके नीचे गिर चुका है। ये तो बहुत ज्यादा पीछे थॉर से भी। चलो यार स्पाइडरमैन भी अपना हो चुका है डिस्क्वालीफाई। गाइस अभी जितने भी जंदे बचे हैं उनमें से कौन लगता है आपको जीतने वाला है कमेंट करना मत भूलो। और अभी जाने वाले हैं शाहरुख खान। ए सेनोरिटा, वैसे तो मैं अपनी बुगाटी लाया था पर मुझे ये ऊंट गाड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए मैं इस पे जाऊंगा। अरे हाँ, आपको जिस पे जाना कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा चल ही नहीं पाएगी और मैंने जो बोला था ये रैंप पे अटक चुके हैं। अरे यार तुमने मेरे साथ चीटिंग करी है, तुमने पहले नहीं बताया था मैं चीटिंग है। अरे चीटिंग क्या, आपने ही बोला था फालतू बुगाटी लाए थे, ये फालतू ये वाली गाड़ी ले ली और ये इसका कैमल तो यार पीछे की तरफ आ रहा है। यार ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अरे यार तुमने मेरे साथ चीटिंग करी है, मुझे एक और ट्राई चाहिए। तुमको तो बताइए डॉन के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है पर कोई पकड़ नहीं पाया। मैं तुमको भी मार दूंगा फिर भी कोई नहीं पकड़ पाएगा। अरे अरे कहां जा रहे हो? और ये तो नीचे ही चले गए। अरे भाई साहब शाहरुख खान भी हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई। अरे विकी भाई मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। अरे हाँ तू चल जा। तो गाइस अब जाने वाले शिनचैन। अगर आप चाहते हो शिनचैन जीत जाए तो फटाफट से जाके कमेंट्स में हार्ट स्पैम कर दो और शिनचैन ओपी भी लिख देना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और ये शिनचैन की गाड़ी उल्टी पुल्टी हो गई। अरे शिनचैन नीचे नहीं आना, ऊपर जाना है। अरे विकी मुझे पता है मैं तो मजाक कर रहा था, अबे मजाक मजाक में इधर उधर निकल जाएगा। और ये तो सही में इधर उधर निकल गया। अबे रैंप उतर है, शिनचैन कहाँ जा रहा है? अरे विकी मेरी गाड़ी उधर नहीं जा रही। अबे क्या प्लेन तो ना उस तरह कूदना था ना,
और ये शिनचैन भी बहुत ही बुरी तरह डिस्क्वालिफ हो गए, पता नहीं कहां जा रहा है ये। तो अब ज्वाइन होने वाले अपने विराट कोहली। Hey guys, what's up? I am Virat Kohli and I am going to attempt this Ram challenge. Let's see what I can do. तो गाइस कौन कौन चाहता है विराट कोहली रैम चैलेंज जीत जाए, फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो। और इनकी गाड़ी तो बहुत तेज है भाई, क्या उड़ते हुए गई है हवा में, और इनकी गाड़ी वापस से सीधी हो चुकी है। और भाई क्या गाड़ी, इनको चलाना नहीं आती है, ये जानबूझ के ऐसे चला रहे, गोल गोल मटर मटर ऐसे गाड़ी को करे जा रहे हैं। और इन्होंने खुदा लिए अपनी गाड़ी को, और इनकी गाड़ी गोल गोल ही घूमे जा रही है भाई, ये क्या चल रहा है। और ये यहाँ पे लगता है सर्कल में पहुंच जाएंगे, और ये गाड़ी से कूद गए, ये क्या बात हुई। और इन्होंने छतरी निकाल ली अपनी, और ये रैंप के नीचे के खड़े हो गए, जहां पे लैंड होना था उससे नीचे के खड़े हो चुके। तो विराट कोहली को भी हम डिस्क्वालीफाई मानेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा ट्राई किया पर वो रैंप जहां पे हमको लैंड हो रहा था उसके नीचे चले गए। चलो देखते हैं अपना यार जोकर वाला हल क्या करके दिखाते हैं। मेरा नाम है मीनू, रातों की नींद है चीनू। अबे ऐसे कैसे हंस रहा है। तो गाइस यार देखते हैं अपना जोकर वाला हल क्या करके दिखाता है। और यहां से इसने अपनी यार गाड़ी कुदा लिया, और ये बुगाटी जो शाहरुख खान खुद के लिए लाया था पर उसने उन्होंने कैमल यूज किया और इसने बुगाटी यूज कर ली। और ये क्या ही बढ़िया लैंडिंग पर नीचे गिर चुका है, और ये भी इसके नीचे आ गया भाई, नीचे कुछ के बरसात बट रहा है, सब नीचे क्यों जा रहे हो। पहले विराट कोहली नीचे चला गया, अभी वो भी थॉर भी गया था, हाँ, और ये हल्क भी चला गया। चलो अब बारी है मेरी, और यहाँ पे गाड़ियां खड़ी है, मैं तो ये वाली गाड़ी लाया था मस्त सी एकदम टेम्पो जैसी गाड़ी, इसमें 6-7 जने आराम से बैठते हैं भाई। रैम चैलेंज हुआ नहीं हुआ, मैं तो यहाँ गाड़ी लेके कट जाऊंगा, यहाँ से मस्त सी गाड़ी है। चलो यार चलते फटाफट से करते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं जीत जाऊँ रैम चैलेंज तो फटाफट जाके फ्रैंकलिन ओपी लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो यार फटाफट से चलते हैं, और गाड़ी स्लिप पे कितना मार रही है, चलो फिर भी हम सीधे सीधे इसको लेके चलेंगे, पूरा का पूरा ट्राई करेंगे इस रैम चैलेंज को जीतने का। और ये हमने अपनी गाड़ी खुदा ली, और मैं पहले यहाँ से निकल चुका हूँ, लगता है मैं थोड़ा ज्यादा ही जल्दी निकल गया, मुझे लैंड करना था पर यार ये तो बहुत ही जल्दी निकल गया। चलो नीचे कूदते वापस अपनी छतरी खोलते, अभी वापस से मैं छतरी बंद करूंगा, और फटाफट से जैसे नीचे पहुंचा मैंने वापस से छतरी खोल दी। चलो ऐसे करते करते मैं सीधा उस पर लैंड होने वाला हूँ, और कितना ज्यादा पास पहुंच गया मैं। अरे उड़ उड़ छतरी छतरी छतरी, अरे अरे इतना ऊपर नहीं उड़ना था, अरे नीचे नीचे नीचे, अरे इधर नहीं इधर ही थोड़ा सा ऊपर उड़, अरे यार ये क्या हुआ, मैं भी नीचे आ गया। अबे ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सही में कोई प्रसाद बट रहा है क्या। तो गाइस यार अभी हल्क में मुझ में और विराट कोहली में डाई हो चुका है, मतलब तीनों यार रैंप के बहुत ज्यादा पास थे, उसके नीचे आ चुके थे, थोड़ा थोड़ा दूर था इसलिए हमने उसको पहले भगा दिया। तो हम तीनों यहाँ पे आ चुके और इस घर में भी आ चुके, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन इस घर को लेगा, तो हमें तो समझ नहीं आ रहा। गाइस यार मेरे पास एक आइडिया, आप फटाफट कमेंट में वोटिंग कर दो किसको ये घर मिलना चाहिए। अभी शिनचैन और हल्क अंदर खेल रहे हैं, अभी फटाफट से कमेंट में बता देना किसको ये वाला घर मिलना चाहिए, फटाफट से कमेंट बताओ, फ्रैंकलिन हल्क या फिर विराट कोहली। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और मुझे वोट करना मत भूलना।